Friends, we will study today the third part of the lesson, that is, we are all family. In this part, the writer has expressed the relationship between the human being and wild animal, wolf. The title of this part is Sand Among the Wolves. Now we are going to explain this passage in Hindi. Sand Ali's childhood fascination with wolves developed into a deep interest in the natural world. Sain Ellis बचपन से ही भेड़ियों के प्रति आकर्षित थे, जिसके कारण उनकी प्रकृति की दुनिया में रुचि विकसित हुई. This interest is what led him to become a field biologist working at a wolf research center in Idaho in America. Even as he was studying the behavior of wolves as part of his research. उनकी यह भेड़िया अनुसंधान केंद्र इडाहो अमेरिका में एक फील्ड बायोलॉजिस्ट अर्थात धरती पर स्थित जंतुओं का विशेषज्ञ बना दिया. भेड़ियों के व्यवहार का अध्ययन उनके अनुसंधान का एक भाग बन गया. He wanted to go live with them to see what it was like being a creature of the world. वह इन जंतुओं के बीच में रहकर यह जानना चाहते थे कि जंगली जंतु होना कैसा लगता है. Once he had familiarized himself with the Idaho terrain around which the research center was based, son started living in the wild. एक बार इडाहो भूभाग से परिचित होने के लिए स्वयं ही इडाहो जंगल में रहना प्रारंभ किया, जिस पर उनका इडाहो अनुसंधान केंद्र आधारित था. We have heard of countless tales of human beings taking in animals and caring for them. हम लोगों ने अनेकों कहानियाँ सुनी होगी जिसमें मनुष्य जानवरों को अपने पास रखा है और उनकी देखभाल अच्छे ढंग से किया है. In this case, however, it was a family of wolves that took Sain in rather than attack him for invading their space. These wolves soon started treating him as a part of the group. When they hunted, they brought food back for Sain to eat. इस संदर्भ में यह भेड़ियों का परिवार था जिनके बीच Sain रहते थे. बजाय इसके कि वह Sain पर आक्रमण करें, क्योंकि उन्होंने उन भेड़ियों के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है, शीघ्र ही वह Sain को अपने समूह का एक अंग मानने लगे. जब वह शिकार के लिए जाते थे तो वह Sain के लिए भी खाने के लिए भोजन लाते थे. इन रिटर्न ही लुक्ड आफ्टर द वुल्फ पप्स व्हेन द एल्डर्स वेयर आउट हंटिंग. इसके बदले में वह भेड़ियों के बच्चों की देखभाल करते थे जब उनके बड़े लोग अर्थात उनके माता पिता शिकार के लिए जाते थे. इवन दो द ह्यूमन एंड एनिमल शेयर्ड वर्किंग कॉमरेडरी इन हिज कॉलम that he wrote for the Guardian in 1211, Sain describes the occasion on which he felt. यहाँ तक कि मनुष्य एवं जानवर एक दूसरे के पर विश्वास करते हुए मित्र के रूप में कार्य करते हैं. अपनी पुस्तक द गार्जियन इन 2011 में उन्होंने इन अवसरों का उल्लेख किया है जब वे जानवरों से भयभीत होते थे. दिस वॉज मेनली व्हेन द वुल्फ फेल्ट दैट ही वॉज डिसरप्टिंग द हायरार्की विद इन द ग्रुप्स ऑफ पुटिंग देयर यंग वंस इन डेंजर. ऐसा मुख्य रूप से तब हुआ जब भेड़ियों को ऐसा महसूस हुआ कि यह व्यक्ति
अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और इससे हमारे बच्चों को खतरा है। इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस इन द नेचर ऑफ दीज टू स्पेसीज दे लिव साइड बाई साइड इन हारमोनी फॉर एन एंटायर ईयर। इन मतभेदों के बावजूद प्रकृति की ये दो प्रजातियाँ एक वर्ष तक परस्पर प्रेम के साथ रही हैं। थैंक यू।